दीव में लॉकडाउन के दौरान और ज्यादा दुकानों को मंजूरी के बाद प्रशासन और सतर्क। जिला कलेक्टर सरोज राय ने जनता को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी। एसपी हरेश्वर विश्वनाथ स्वामी और डीवाईएसपी रविंद्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर की समीक्षा। कोरोना से अब तक मुक्त रहे दीव जिले में प्रशासन द्वारा आवश्यक चीज वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ अन्य दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। जिला कलेक्टर सलोनी राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी है। निर्देश अनुसार दमन, दीव और दादर नगर हवेली प्रशासन ने भी ये निर्णय लिया कि आज से 28 तारीख से सारी दुकानें जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाएगी। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक उन दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, बार्बर की दुकान है या लिकर शॉप्स हैं, वाइन शॉप्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स, इनको अभी परमिशन नहीं दी जा रही है। और जितनी भी दुकानों को परमिशन दी जा रही है उनसे यही अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग रखें और मास्क मैंडेटरी है और हर चीज़ को सैनिटाइज रखें। और लोगों से भी यही अनुरोध है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें, किसी भी मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, तो वो मास्क का ज़रूर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अब हम चीज़ों को नॉर्मलसी की तरफ ला रहे हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की उतनी ही ज़्यादा क्रूशल है कि वो इस फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करें। और अगर कोई भी किसी भी तरह का उल्लंघन होगा तो हमें उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। आज उन्होंने व्यापारियों को भी निर्देश दिया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करें। जिला प्रशासन द्वारा और ज्यादा दुकानों को खोलने की मंजूरी के बाद पुलिस तंत्र भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। एसपी हरेश्वर विश्वनाथ स्वामी और डीवाईएसपी रविंद्र शर्मा ने आज फिर एक बार दीव में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। दीव मार्केट सहित के क्षेत्रों में दीव एसपी ने अपने काफिले के साथ पैदल दौरा कर दुकानदारों और ग्राहकों को जरूरी निर्देश दिए। देखिए, बाहर से जो आने वाले हैं उनका अभी बाहर से बॉर्डर तो सील है, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम जो एसेंशियल चीज़ों के लिए लोग आने दे रहे हैं अंदर, वेजिटेबल वेंडर्स और दूध वाले, उनके अलावा तो यहाँ पे कोई किसी के लिए बॉर्डर अभी भी सील है। जनता को यही संदेश है, आज आपकी सारी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए शॉप्स खोल दी गई हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा खतरा अभी टला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी ज़रूरतमंद, अभी समर सीज़न चल रहा है तो उसमें भी फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी की दुकानें, कूलर की दुकानें, इसकी दुकानें, ये ज़रूरत की चीज़ें थी। इन सारों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, बट अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही मेंटेन करनी है, हमें मास्क पहने रहना है, बाकी सारी नॉर्म्स का पालन वैसे ही करना है जैसे अब तक करते आ रहे हैं, यही हमारा मैसेज। ज्ञात हो कि दीव में भी जनता और प्रशासन का अच्छा तालमेल अब तक देखा गया है। दीव के नागरिक जरूरत के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हमें दुकान नो समय चेंज कर रहे, प्रशासन साहब हमने 4 वागा सुधी नो टाइम आप, तो हमें प्रशासक साहब नो आभार मानिए छे अने आज थी हमें 4 वागा सुधी दुकान चालू रखसू अटले पब्लिक ने तकलीफ न थाय अने डिस्टेंस तो राखी ज छे। एसपी हरेश्वर विश्वनाथ स्वामी के दौरे में दीव पुलिस थाना प्रभारी पंकज तंगेल एवं अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।